पादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रिता नंच पालिनी जीव दुखे सदा त्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामयं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार्गवाय देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर संबुधे पादंबुजायते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभरायते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनला सम संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंदि से गुरु चरणा कमाला नित गीत त्रिहरि कीर्तनी राहे नम
Thank you.
आधर अब इधर निताय गुण मणि निताय गुण निताय गुण मणि निताय गुण मणि कृपा ने हमें दया
जय राधा नाथ हरि हे दयाल।
Thank you.
बोलो हरे कृष्णा हरे 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 मुंह खोल करके पूरा मुंह खोल करे हरे हरे पूरा Yeah.
ओम ज्ञान शिविराम धस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री मात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री मात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कल कथकल्य, जब श्री ध्रुव महाराज माता जी की कठोर वचन से दुखी होकर के और अपना माँ के आशीर्वाद को लेकर के जब भजन करने के लिए आए, इतने में श्री नारद जी मिले। नारद जी मिल करके बड़ी सुंदर सुंदर उन्हें बात बताई। वह देख बच्चा, अभी तुम्हारी खेलने कूदने का समय कहाँ, भजन करने के लिए तुम आ गए हो, इसलिए अपने घर में वापस जाओ, अपना खेल कूद करो, पढ़ाई लिखाई करो। इतने में नारद जी उनको कुछ अच्छी अच्छी बात बताई। क्या अच्छी अच्छी बात बताई? अगर जीवन में दुख आ रहा है क्या समझना चाहिए, हमारे पाप नष्ट हो रहा है। अगर जीवन में सुख आ रहा है मतलब जीवन का पुण्य क्षय हो रहे हैं। जगत में कोई नहीं चाहते अपना पुण्य क्षय, सब चाहते हैं पाप क्षय हो। इसलिए अगर दुख आए तो दुखी नहीं होकर के हमने पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किया और कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, ये चीज को सोच करके अपना फल को भोग करते जाओ और भगवान की भजन को मत छोड़ा। अब भजन को, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते, सब मुक्ति पदे दाय भाग कहते। कौन व्यक्ति भगवत प्रतिपाद को प्राप्त कर सकता है? बोले वही प्राप्त कर सकता है जीवन में जो कुछ आता है, हंसते हंसते उसको भोग कर लो और भगवान की भजन करते रहो। बोले जीवती, जीवती मतलब क्या है, जिसने अपना है अपना जीवन को क्या करते हैं, कहते भक्ति पथ का रास्ता में चलते हुए प्रभु का भजन को नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी दुख कष्ट आ गए, अपना भजन भजन को एक तरफ में रख करके बास और दुख दुख में जीवन को बिताने लग जाए, सोच सोच कर बोले नहीं नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा कहते एक तो भगवान का चरणों को छोड़नी नहीं चाहिए, कंटिन्यू भगवान की भक्ति करनी चाहिए,
क्योंकि बच्चे को पिताजी का संपत्ति कब मिलेगा, जब जिंदा रहेगा। अगर वो मरी गया पिताजी का संपत्ति कहाँ से मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है अगर हम कंटिन्यू भगवान की भक्ति करते रहे, जो भगवान के चरण में जो असत अभय और जो अमृत है तभी जीव को प्राप्त हो सकता है। अगर प्रभु का भक्ति छोड़ दिया, पिताजी के चरण छोड़ दिया, फिर उसका संपत्ति तो मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने और क्या बताया था, अगर हमसे कोई ज़्यादा गुण विशिष्ट किसी व्यक्ति को अगर आप देखते ही उसके प्रति द्वेष नहीं करके उसके प्रति प्रीति करो, हैं? अगर हमसे कोई नीचे व्यक्ति को अगर देखते हो उसके ऊपर में दया करें, अगर हमारी बराबर किसी व्यक्ति को देखते हो उसको साथ में मित्रता का एक एक अच्छे अच्छे सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं। अगर ऐसे अगर अपना जीवन को हम चलाएंगे तो जीवन में हम सुखी रह सकते हैं, हैं? सुखी रह सकते हैं। जो उन्होंने ये सब बात को बताई, लेकिन ध्रुव जी ने कहा देखो नारद जी आप जो कथा कह रहे हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन लगता है मेरे लिए बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि जो मैं हूँ ना वो क्षत्रिय का बच्चा हूँ, इसलिए मेरे अंदर में क्षत्रिय का खून बह रहा है, बहने का नाते ये बहुत कठिन है मेरे लिए करना, बहुत कठिन। माता सुरुचि ने मेरे को जो वाक्य रूपी बाण मारे हैं मेरे एकदम हृदय में भेद गया है, इसलिए बड़ा कठिन है मेरे को ये चीज करना। तब श्री ध्रुव महाराज कह रहे हैं बोले नारद जी मेरे को एक बात बताओ, बोले क्या है, बोले पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीशो साधु वर्तम बृहस्मत पृथ्वी ब्रह्मण निरूप्यन अधिष्ठितम। कहते हे ब्रह्मण आप कृपा करके क्या बताओ, कहते मैं चाहता हूं मेरे पितृ पितामह जो पद को त्रिभुवन में जो उत्कृष्ट पद को प्राप्त नहीं कर पाए, आरोहण में असमर्थ हुए, कहते वह पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, हैं? इसलिए वो पद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, केवल मेरे को रास्ता दिखा दो और कुछ नहीं चाहिए, हैं? केवल मेरे को ये पद दिखाओ, मेरे पितृपुरुष लोगों ने जो पद को प्राप्त नहीं किया वो श्रेष्ठ पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके केवल सरल उपाय मेरे को बता दो। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ इसी श्लोक का टीका में ये कहते हैं, टीका में क्या कहते हैं, कहते हैं नारद जी हैं केवल आप मेरे को पथ बता दो, मैं क्षत्रिय का मैं बच्चा हूँ, अब केवल मेरे को पथ आप केवल दिखा दो, मैं अचिरे में ही जल्दी से जल्दी वह श्रेष्ठ पद को मैं जरूर प्राप्त करूँगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय का बच्चा, केवल मेरे को अब राह केवल दिखा दो, फिर आप देखो मैं क्या करता हूँ, विश्वनाथ चौटाल कहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं देखो मैं जरूर एक दिन भगवत पद को मैं प्राप्त करूँगा, मेरी कोई बात निश्चय हो गया। बोले क्यों निश्चय हो गया, क्योंकि मैं भजने के लिए निकला हूँ, जब भजने के लिए निकला हूँ दर्शन किसका मिला है, आपका दर्शन मिला। अगर जीवन में किसको वैष्णव का दर्शन मिल जाता है इसका मतलब क्या समझो, समझो तुम्हारी काम जरूर हो जाएगा, है? इसलिए हाँ इसलिए कहते ना सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना निसंशय च अत्र तद भक्त परिचर्य रतात्मना। कहते सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना, जो व्यक्ति डायरेक्ट रूप में भगवान की सेवा करते हैं कहते उसको सिद्धि प्राप्ति में उसकी संशय हो सकता है, लेकिन अगर कोई भक्तों का सेवा करते हैं ना बोले निसंशय च अत्र उसमें कोई संशय नहीं भगवत प्राप्ति करने में। इसलिए जब श्री हनुमान जी को साथ पर विभीषण का मुलाकात हुई तो विभीषण यही तो बताए आज मैं भा भरसा हनुमंता बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, इसलिए मेरे को ये पूर्ण विश्वास हो गया। इसलिए यहाँ पर श्री ध्रुव महाराज कह रहे हैं मैं घर से हैं निकलते ही आप जैसे साधु का जब दर्शन हो गया है हैं ये क्या समझो मेरे भगवत प्राप्ति निश्चित रूप में है। लेकिन कोई कोई हाँ कोई कोई साधु कहते हैं जब नारद जी ध्रुव महाराज को बोले घर में वापस चले जाओ हैं वापस चले जाओ, इसलिए खेल कूद करो अभी भजन करने का तुम्हारी उम्र है नहीं वृद्धावस्था में कर लेना, तब नारद जितने ध्रुव महाराज कहते हैं आप कौन हो,
बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप जो डुप्लीकेट नारद हैं, क्योंकि मैंने सुना जो नारद जी सबको भजन की बात बताते हैं, लेकिन हमें आपको उल्टा बात बता रहे हो, घर में वापस चल जाए, मेरे को तो लगता नहीं आप नारद हो, इसलिए मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, केवल मेरे राह दिखाओ, देखो मैं क्या करता हूँ। जब उन्होंने कहीं कहीं इस सब बात को बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, इसलिए कहते मैं कहते आप कौन हो, कहते ब्रह्मा का संतान हो, आप साधारण नहीं, जगत में आप क्यों भ्रमण करते हो, कारण क्या है, कहते केवल दूसरों की कल्याण करने के लिए ही बिना को लेकर के आप सर्वत्र भ्रमण करते हैं, केवल जीव को उपाकार के लिए भ्रमण करते हैं, आप यही आपका काम, जीव का कल्याण कैसे हो, जो कल्याण कैसे हो, जब मेरे साथ में भेंट हो गया मतलब मेरे कल्याण करने के लिए आप आए, इसका पता चल गया है। ऐसे बात वाक्य सुन करके इनकी दृढ़ता को देख करके ना कहते चला चला अगर पहलवान हो गुरु जी मेहरबान, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान। कहते हिंदी में और एक पद है, तेरे द्वार पे मैं आया हूँ कुछ करके दिखाऊंगा, क्या है सुनते हो, कुछ ऐसे कुछ शब्द है, कहते जब मैं भगवान के चरण में आया हूँ मैं जरूर भगवत प्राप्त करके ही मैं रहूंगा, दर से दिखा दो, ऐसे कुछ सब सुंदर शब्द है। ऐसे वाक्य सुन करके ना नारद जी सोचे भैया चेला तो ऐसे होनी चाहिए हैं, जब तक चेला ऐसे नहीं हो तब तक भगवत प्राप्ति होगा ही नहीं है, थोड़ी सी इधर उधर हो बस क्या हुआ, भजन भजन छोड़ छाड़ दिया, फिर भजन किया भगवान की भक्ति क्या करोगे, इसलिए कहते भगवत प्राप्ति के लिए कहते शिष्य का हृदय में ऐसे दृढ़ संकल्प आनी चाहिए, हम जरूर भगवत प्राप्त करके ही रहेंगे। नारद सुनकर बड़े खुश हो गए हैं, तब से नारद जी कहते बोले ध्रुव तेरी मैया ने जो तुमको बात बताई ना सही बात बताई थी, भजन करना तो पद्म पलाश लोचन श्रीहरि की भजन कर, ये पिताजी कब तक रहेंगे, ये माताजी कब तक रहेगी, राज्य कब तक रहेगा, ऐसे एक पिताजी गोद में बैठो जिस गोद में बैठने पर कभी उतरना नहीं पड़ेगा, ये माँ तुम्हें क्या प्यार देगी, करोड़ों गुरु जो ममता है किसके अंदर में, भगवान के अंदर में, ठाकुर जी के अंदर में, तुम्हारी मैया ने तुमको सही बात बताई थी। जब उन्होंने दृढ़ता को देखी प्रसन्न हो गए नारद जी, प्रसन्न होकर के तब उसको कहते बोले तातम गच्छ भद्रम ते जमुनाम तटम सुचि पुण्यम मधुवन जत्र सान्निध्यम नित्यदा हरि, के तथा गच्छ भद्र थे, उन्होंने क्या बोले, बोले देखो भद्र तुम जाओ कहाँ पर जाओ, तुम श्री पुण्य मधुवनम मधुवन में पुण्य मधुवन में जाओ और वहाँ पर यमुना के तट में वहीं पर स्नान करके हाँ नित्यदा हरे, कहते ना भगवान नित्य निवास कहाँ पर कहते मथुराम, भगवान नित्य भगवान के निवास है, तुम जाओ मथुरापुरी में जाओ मधुवन में चले जाओ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते विशेष करके ध्रुव जी को दो चीज बहुत बढ़िया चीज मिली है, कहते भक्ति की, भक्ति की जो पुष्ट होता है कैसे होता है, कहते कि स्थान, स्थान क्या है मधुपुरी मथुरा, कहते नित्यधाम हरे जहाँ पर भगवान की नित्य निवास है, कहते एक रात्रि निवास न हरि भक्ति प्रजायते, कहते जहाँ एक रात अगर कोई निवास करते उसको हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है, और विशेष करके जो मथुरापुरी जिसको हमारे से सनातन गोस्वामी कहते हैं जय जयती जयती जय जयती मथुरापुरी को उन्होंने वंदना करते हैं, ये जो मथुरापुरी है क्या है, यहाँ पर अपराध है अगर कहीं कर लिया तो वहाँ साधन भजन करने से अपराध नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरे धाम में अगर कोई अपराध करते हैं हैं दूसरे धाम में वो बजरे लेप हो जाता है, बाहर कहीं अपराध किया अगर धाम में जाओ तो क्या होता है सारा अपराध दूर हो जाता है, अगर धाम में रहकर कोई अगर अपराध करे तो वो वज्र लेप हो जाता है, लेकिन कहते केवल एक ही जो मथुरा धाम है वो ऐसे के धाम है, अगर वहाँ पर कहीं तुम्हारी अपराध हो गया, अगर वहाँ परिक्रमा किया वहाँ पर भजन किया वहाँ रहा ना, कहते क्या होगा तुम्हारी अपराध वहाँ नष्ट होगा, केवल सातपुरी में सनातन गोस्वामी कहते सातपुरी में केवल एक जो मथुरापुरी की ये विशेष बात केवल मथुरा की और कहीं की नहीं, कहते वहाँ की अगर किसी तरह से थोड़ी सी संबंध बन जाए मथुरापुरी में
किसकी शादी हो गया, किसकी जन्म हुआ, किसने वहाँ पर जन्म ले लिया, नहीं तो अंतिम संस्कार हो गया वहाँ पर, कहते तो किसी तरह से थोड़ी सी संबंध हो जाए जब मथुरापुरी को साथ में, बात उसी से उसकी कल्याण है। इसलिए मथुरा नहीं ये मधुरा, हाँ ये मधुरा, इसलिए उसको दो चीज की विशेष वस्तु जो भक्ति के अनुकूल का वस्तु प्राप्त हुआ, जो भक्ति में जल्दी जल्दी सिद्ध करने वाले, क्या? एक तो मथुरा भगवान की जन्मस्थान, तो दूसरा क्या? बोले यमुना की उपकूल है, जो जयति जयति यमुना है। इसलिए चिदानंद भानु सदानंद सुनो परम परम दाति अघानाम लभत्री, इसलिए कहते जो महिमा गंगा की, जितने महिमा उससे 100 गुण ज्यादा यमुना की महिमा, गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, यमुना की स्मरण करने से वो फल प्राप्त होता है। इसलिए विशेष करके भक्ति की जो अनुकूल दो चीज उसको प्राप्त हो गई, एक तो मथुरा धाम और नित्य यमुना में स्नान, ये दो चीज उनको विशेष प्राप्त हुई है। इसलिए कहता अपना चंचलता को छोड़ करके अपना चित्त को स्थिर करते हुए भगवान वसुदेव का क्या करना, वसुदेव को ध्यान करना, और कहते त्रिसंध्या स्नान और आसन रचना करते हुए रेचक पूरक और कुंभक, ये प्राणायाम को द्वारा धीरे 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 अपना चित्त को विषय से हटा करके भगवान के चरण में धीरे धीरे लगना। कहते ध्यान किसको करोगे, बोले भगवान को ध्यान करना, बोले भगवान का रूप कैसे, तब नारद जी यहाँ पर वर्णना करते हैं, बोले श्री वत्सांकम घनश्यामम पुरुषांग वनमालिनम शंखचक्र गदा पद्मै रभिव्यक्तम चतुर्भुजम किरीटीनम कुंडलीनम केवरावलयादित्वम कौस्तभाभरणम ग्राग्रीवम पीत कौशेयवाससम। वहाँ पर तो बहुत नारायण का उन्होंने जो ध्यान की बात बताई, बहुत बहुत सारे श्लोक हैं, इसलिए यहाँ पर कहते ना, कहते भगवान तो निराकार है, भगवान तो निराकार, उसका रूप गुण नहीं, नहीं। अब भागवत पढ़ करके देखो, कहीं भी भगवान में निराकार रूप में कहीं भी कहीं नहीं बताया गया। इसलिए नारद जी स्वयं कहते ऐसे रूप को तुम ध्यान करो, प्रहलाद महाराज के सकते खंभे में तो नरसिंहदेव प्रकट होंगे, वामन देव तो बलि महाराज के ऊपर कृपा की, भगवान ने राम अवतार में आए, जितने अब कथा दो नारद जी को भगवत दर्शन साक्षात हुई है, गिरिराज तलेट में रासलीला में जुगल सरकार के दर्शन राधा रानी के प्रसाद बिना प्राप्त हुई, तो यहाँ पर कहाँ पर भगवान को निराकार निराकार कहाँ पर बताए। इसलिए कहीं भी भगवान को निराकार कहीं नहीं बताया, और जो रूप उनको ध्यान की बताए दर्शन जब हुआ, कौन सा रूप हुआ, यही रूप ही दर्शन हुआ है, इसलिए भगवान को कहीं निराकार नहीं बताया। इसलिए कहते भगवान को जो निराकार थे तो पाखंडी है, उनको पाखंडी बताया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या बताए, भगवान की जो सुंदर रूप को यहाँ पर वर्णना करते हैं, भगवान कैसे हैं, प्रसन्न बदन, हर समय भगवान हसी मुख है, और भगवान को जो नासिका सुंदर नासिका, उनकी जो भ्रू है बड़े सुंदर मनोहरिणी भ्रू है, और उनका जो गंडस्थल बड़े सुंदर, भगवान की गंड बंद सुंदर है, और भगवान का जो वैश है नवकिशोर तरुण वैश है भगवान की, और भगवान देखने बड़े कमनीय, भगवान की आँख कैसे हैं कमल पखड़ी जैसे, भगवान की सुंदर आँख और अरुण वर्ण है। कहते कहते सारे पुरुषार्थ का अकल स्वरूप है, अगर किसी के चरण में शरण लेने का लायक हो तो ठाकुर जी है, और कैसे भगवान दया की सागर है, और उनके शरीर में श्री वत्स लांछन चिन्ह है, नव निरोध घनश्याम रूप है, सुंदर गले में वनमाला को पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए, सुंदर ठाकुर जी की किरीटी कान में बड़े सुंदर कुंडल है, और उनका हाथ में सुंदर बलय है, और कौस्तव मणि युक्त भगवान है, पीत वर्ण धारण किए हुए, नितंब मेखला युक्त भगवान के चरण में सोने के नुपुर है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कहते हैं जगत में जितने जगत में अगर सुंदर वस्तु दर्शन के हो, कहते कहाँ पर है, बोले भगवान के अंदर में जगत का जितने सुंदरता है केवल ठाकुर जी की अंदर में, और कहीं इतना सुंदरता कहीं नहीं है। कहते भगवान की जो
हाँ यहाँ पर कह रहे हृदय में हैं भगवान बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बड़े सुंदर रूप में भगवान का रूप को वर्णना करते हुए बोले देखो ध्रुव जी अपना हृदय को संयत करते हुए ऐसे रूप को ध्यान करना और परम शांत अवस्था लाभ करिवे। अगर ये रूप को तुम ध्यान करोगे ना मन को बड़ा शांति मिलेगा तुमको, और मन अगर उसमें लगाओगे तो मन इधर उधर कहीं जाएगा नहीं है। इसलिए तुमको अभी मैं मंत्र प्रदान करता हूं, अगर ये मंत्र को केवल 7 दिन अगर ये मंत्र को तुम जप करोगे ना, कहते ये मंत्र में इतने शक्ति है फिर क्या दिखेगा मिलेगा, कहते ये आकाश मार्ग में जो भगवत जो पार्षद लोग आकाश में तुमको दर्शन होने लग जाएंगे। देखो ये मंत्र के कितने प्रभाव है, कहते केवल 7 दिन अगर ये मंत्र को लगातार मंत्र को केवल जप करोगे, कौन सा मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, केवल 7 दिन अगर जप करोगे तो क्या होगा ये आकाश मार्ग में भगवत पार्षद भ्रमण करते हुए देखने लग जाएगा। लेकिन हम लोग जो मंत्र जप करते हैं जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम तो श्रेष्ठ मंत्र को जप कर रहे हैं, श्रेष्ठ मंत्र को जप कर रहे हैं ना, इसमें तो वासुदेव का नाम है। लेकिन हम तो ये तो कौन वासुदेव कौन है, वासुदेव का बेटा ये श्री मथुरा के कृष्ण है वसुदेव जी, लेकिन हम तो नंदन कृष्ण और राधा रानी को साथ में हम इनकी नाम जप करते हैं, वो तो श्रेष्ठ है, वे महामंत्र है। महाप्रभु क्या कहते हैं, यह जप गया सब करीबा निर्बंध या है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व क्षण बोल रहे थे विधि नहीं आ, मैंने ये नाम को दिया, ये नाम को हर समय जप करो, इसको द्वारा तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी कमी किस में है, कमी हमारे अंदर में कमी है, हमको जैसे भजन करनी चाहिए हम भजन वैसे कर नहीं रहे, इसलिए ये नाम का जो फल है ना हमको सही सही नहीं मिलता है। इसलिए नाम कैसे जप करनी चाहिए, एक जगह पर बैठ करके आँख बंद करते हुए हृदय से पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए देखो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो नाम को ना एक जगह पर बैठो, जैसे घूम करके नाम करते हो घूम करके करने का ये उचित नहीं है। हम तो माला पूरी करने के लिए कर लेते हैं लेकिन नियम क्या है, हमें क्यों अनुभूति नहीं होता है, कारण है बोले जे रूप लय ले नाम प्रेम को जय तार स्वरूप लखन सुन राम राय, इसलिए जैसे नाम लेने से प्रेम होगा हम वैसे नाम नहीं लेते हैं, एक तो नाम में रुचि नहीं होता है, फिर नाम करते इधर उधर ढोल डाल करके इधर देखते हुए उधर देखते हुए फिर तो हमको ये फल कैसे मिलेगा, फल मिलेगा नहीं फिर। इसलिए क्या करनी चाहिए, एक जगह पर बैठ करके हमने जो महाराज हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज हमने देखा है उन्होंने पूरा ढोल 2:30 बजे का उधर उठेंगे रोज रोज उस समय उठ जाएंगे, उठ करके इसको अगर पास में कोई सोया उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खुद जाकर हाथ धो लेंगे, हाथ धो करके बस खटिया के ऊपर बैठ गए और बैठ करके पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे ऐसे पुकार करके हृदय से महाराज मैंने देखा हृदय से पुकार करके। और गुरुदेव जब मंत्र आनी की जब करते हैं ना, हम आनी की जब नियम किया है अच्छे शुद्ध आसन में बैठ करके और विशेष करके आचमन करते हुए हैं शुद्ध रूप में आचमन करते हुए आनी करनी चाहिए। हमने देखा महाराज जी जब आनी करके सामने तुलसी को रख करके गुरुदेव आनी करते थे, जब हरिनाम भी करते तुलसी को रख करके हरिनाम करते थे, तभी जब गुरुदेव वहाँ से आनी से उठते थे ना तो गुरुदेव का जो आँख है ना एकदम लाल लाल वर्ण पूरा गुरुदेव का आँख है, जैसे पूरा कोई समाधि से कोई व्यक्ति जैसे समाधि में बैठ करके जैसे कोई उठता है ना ऐसे देखते गुरुदेव का पूरा समाधि स्थल। अगर गुरुदेव का कहीं कहीं हठात गुरुदेव के चरण को कोई छू लिया किस समय देखा गुरुदेव हठात चौंक जाते थे, क्योंकि वो उनका जो ध्यान रहता था वो और किसी जगत का ध्यान में गुरुदेव रहते थे, हठात कोई अगर पैर छू लिया गुरुदेव तो चौंक जाते थे, गुरुदेव चौंक जाते थे हमने देखा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो ध्यान कैसे करनी चाहिए है
इसका तो कभी 7 दिन में अगर इसको कोई जप करे तो आकाश में भगवान का पार्षद देखने मिल जाती है, केवल 7 दिन में। क्योंकि जैसे नाम करनी चाहिए वैसे नाम करनी चाहिए, इसलिए इसका आगे जो आएगा उन्होंने 3 दिन में एक बार खा करके फिर जब बैठते थे 3 दिन का ध्यान नहीं टूटता था, लेकिन हम 5 मिनट भी एक जगह पर बैठ करके हम हरि नाम नहीं करते 5 मिनट भी। और उनका जब ध्यान 3 दिन के बाद में अगर खाए, फिर 6 दिन के बाद, फिर 9 दिन के बाद, फिर 12 दिन के बाद में एक बार भोजन कर लिया बैठ गए तो बस ध्यान एकाग्र रूप में उनका ध्यान नहीं टूटता, तभी तो भगवत प्राप्ति हुई ना। इसलिए माथुर जी का आगमन में क्या बताया, प्रेम कब प्राप्ति होगा, जब 1 सेकंड के लिए भी मन भगवत चिंतन छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, 1 सेकंड के लिए भी मन, तब जाने कहीं भगवत प्राप्ति होगी, तब कहीं प्रेम प्राप्ति होगा। इसलिए उसके लिए ऐसे साधन भजन भी तो, ऐसे साधन भजन भी तो चाहिए तभी तो होगा है। इसलिए हमारे गुरुवर्गो ने, हम लोग तो अनधिकारी है किसी तरह से पकड़ करके लाए, इसलिए कोशिश करनी चाहिए बेकार बात में समय को नहीं बिताते हुए। जो स्मार्टफोन में, वो तो सबसे बड़ा काल ये स्मार्टफोन है, अगर उसको सेवा में लगे तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी यही कभी कभी सब सब सारे बिगाड़ने वाले यही बन जाते हैं। ये साधुओं को भी, दुनिया को तो बिगाड़ता है, ये साधुओं को बिगाड़ता है। हमने देखा कुछ ब्रह्मचारी भी इसके चक्कर में शादी किया, केवल इसके चक्कर में लड़के को साथ में कोई उल्टा पुल्टा संबंध किया, और जब मोबाइल नहीं होता था उसको संबंध नहीं होता था। ये मोबाइल ऐसे की चीज है बिना कारण से ही वो संबंध जोड़ देता है, हैं? बस बात करते करते कहीं प्रेम हुआ, हम लोगों ने बड़े कोशिश किया उसको बचाने के लिए, लेकिन मोबाइल बस ऊपर से छूट गया मोबाइल खा जाएगा। इसलिए जो मोबाइल है सावधान, इस मोबाइल मोबाइल है ना, इसलिए सावधान। इसलिए ये चीज़ को अगर भक्ति करना भजन करना चाहते हैं, जितना जरूरत से ज़्यादा उसको साथ पीछे मत पड़ा करो, जान बुझ करके टांग अड़ाए मत करो कहीं किसी चीज़ में, जान बुझ करके अगर सेवा के लिए ज़रूरत है जितने हो सके उसको सेवा में लगाओ, सेवा को छोड़ करके। इसलिए हमारे परमेश्वर प्रभु क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य मोबाइल तो मोबाइल ले लिया सबके सब, कोई स्मार्ट हाँ जरूरत है छोटा फोन है, कोई जरूरत है बात करने के लिए रखो, उन्होंने सारे मोबाइल को उन्होंने ले लेते हैं, बोले दे दो, अगर कुछ तो पास में अगर विशेष हो बोले ठीक 9 बजे यहाँ पर जमा कर देना, इसको जमा कर देना। क्योंकि ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं कि रात में कभी मोबाइल देखते हैं, ये बड़ी गड़बड़ चीज है, बहुत गड़बड़ चीज है, और सीधा तुमको लेकर नरक में सीधा लेकर गड्ढे में डाल देगा और कहीं नहीं डालेगा, है सीधा गड्ढे में जाकर डालेगा। इसलिए पूरा इसलिए साधु सावधान कि हम भजन करेंगे, देखो ये आँख सबसे सबसे खतरनाक चीज है, आँख है, आँख में जो चीज़ देखेंगे भजन करते समय वही चीज हमारी स्मरण होती रहेगी, वही चीज़ स्मरण होगी, इसलिए साधु सावधान। इसलिए हम विषय व्यक्ति का अन्न भोजन कर रहे हैं, अगर विषय व्यक्ति का अन्न भोजन करते हुए अगर हम उल्टा पुल्टा काम करते हैं उसको घर में बैल वगैरह बन जन्म लेना पड़ेगा। ये मत समझो हम साधु बन गए, तिलक लगा लिया, गले में कंठी धारण कर लिया, ये भूत स्वयं परेशानंद को बोल के गए, जो परेशान को भूत पकड़ा था ना वो स्वयं बोल के बात कर गए, बोले देखो साधु जीवन में सावधान, कुछ साधु भूत वगैरह वृंदावन में घूमते रहते हैं, उनका पार्टी बताया, पूरा उनका ग्रुप है, वो साधु पहले थे, साधु अभी भूत बनकर, कारण क्या है, विषय व्यक्ति का विषय भोग किया, पैसा उनका रखा, रख करके गलत काम लगाया, उसको अभी भूत बनकर घूम रहे, भूत स्वयं बोल कर गए। इसलिए कहते साधु सावधान, सावधान किसको कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं सावधान। इसलिए विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, इसलिए कोशिश करो हरि नाम को एक जगह पर बैठ करके हृदय से फुकार फुकार करके 16 माला से तो कभी कम नहीं करनी चाहिए, और धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। जैसे ऊपर गुरुदेव तो 1,00,000 माला करके जाकर क्या करते थे, भोजन करते थे, 1,00,000 माला किए बगैर गुरुदेव सबर, हमें तो कोशिश करनी चाहिए, ऐसे नहीं कहते ना कलयुग का जीव कैसे कहते हरि नाम के आलसी भोजन में होशियार है, भोजन में होशियार, जो प्रसाद का समय आता है ना प्रसाद के समय, लेकिन जो हरि नाम का समय आता है बहाना बना देते, तुलसी ऐसे जीव को बार बार दिखा, हाँ तुलसी ऐसे जीव को बार बार दिखा। इसलिए साधु सावधान कोशिश करो, हैं कोशिश करो बैठ करके एक जगह पर, बोलने का जरूरत नहीं, आओ माला लेकर के आओ और बैठो यहाँ पर भजन करो, नहीं
अपनी आप हृदय से जानी चाहिए। हम कुछ ऐसे समय निकालेंगे जो कि हम बैठ करके थोड़ा हम हरिनाम करेंगे, एक मन से भगवान को पुकार पुकार करके हरिनाम करें, ठीक है ना। और बिना कारण से दुनियादारी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये जो स्मार्टफोन को भी तुम लोग सावधान में, स्मार्टफोन को सावधान में रखो, ठीक है ना। इसलिए बिना कारण से अपना संसार में भी कोई बात मत करो। बिना कारण के टांग अड़ा करके दुनिया, हाँ, घर को छोड़ करके आए मंदिर में, और मंदिर में रहकर घर की चिंता कर रहे हो तो रह रहे कहाँ पर, बताओ। हाँ, यही चीज समझो। इसलिए जिसकी चिंतन करते हैं हम वहीं पर रह रहे हैं। जिसकी चिंतन, गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक वैश्या और एक साधु रहते थे आस पास में करके। वैश्या के पास में उल्टा पुल्टा लोग आते थे और साधु के पास में आते थे कुछ भक्त लोग। अभी साधु ना, वो दिन भर वो वैश्या की चिंतन करता था, देखो कितने गंदे, उसके पास में ये लोग आ रहे हैं, देखो अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, वो गलत काम करती होगी, दिन भर उसकी चिंता। लेकिन वो वैश्या क्या करती, साधु का चिंता करती, देखो मैं कितने पापी ऐसी हूँ, मैं कितने गंदा काम करती हूँ, लेकिन देखो साधु बाबा दिन भर भजन करता है, भक्ति करता है, हैं, कैसे उनका चिंतन, प्रभु की चिंतन में कितना आनंद जीवन है। एक दिन क्या हुआ, भूचाल आए, भूचाल में दोनों मरे, दोनों मरे तो साधु के पास में जमदूत आए और वैश्या के पास में विष्णुदूत आए। इतने में साधु के पास में जो जमदूत आए, साधु ने कहा तुम लोग यहाँ पर क्यों, वहां पर चले जाओ, वहां पर वैश्या रहती, तुम लोग भूल करके यहाँ पर आ गए, तो वहां पर चले जाओ। हैं, तब जमदूत बोले सही जगह पर आए, क्योंकि तुम तो साधु हो, लेकिन चिंता किसको करता था, वैश्या की तुम चिंता करता था दिन भर। इसलिए और उसको पास में चले गए विष्णुदूत, वैश्या ने कहा आप गलती से यहाँ पर आ गए, वहां पर साधु बाबा वहां जाओ। बोले नहीं, हम सही जगह पर आए, क्योंकि तुम जो चिंतन करते थे ना दिन भर, तुम चिंतन करते थे साधु का चिंतन करते थे, मूल चिंतन है, हैं, मूल चिंतन है। इसलिए हम मंदिर भजन करने के लिए आए, भक्ति करने के लिए आए, कोशिश करनी चाहिए दिन भर हमें प्रभु की चिंतन, ठाकुर का सेवा के बगैर दुनिया की कोई चिंता हमारे हृदय में नहीं आए, कोई चिंता नहीं आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये मंत्र को तुम ठीक ठीक जप करोगे तो आकाश मार्ग में तुमको भगवत परिकर घूमते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर कह रहे बोल अचिंत शक्ति आश्रय करे स्वतंत्र इच्छा बसे जे जे अवतार। क्या करना, भगवान जैसे अपना अचिंत शक्ति को प्रभाव से, भगवान क्या करते हैं अपना इच्छा से सुंदर सुंदर ठाकुर जी अवतार लेते हैं, जैसे मत्स्य अखर बरा सुंदर सुंदर ठाकुर जी अवतार लेकर के प्रपंच में जो सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला किए हैं उनका जो चरित्र समूह को उनको चिंतन करना, उसको ध्यान करना, जत प्रकार सेवा प्राणी कर निर्दिष्ट करिया छे। हाँ, इसलिए विभिन्न द्रव्य द्वारा और ठाकुर जी को गंध पुष्प चंदन के द्वारा भगवान की सेवा करना और हृदय में मूल मंत्र उच्चारण करना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे एक तो होते हैं जैसे जैसे हमारे गोस्वामी लोग होते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, अब जैसे हमारे गोस्वामी लोग होते हैं वो लोग क्या करते, मानसिक सेवा करते थे, उनके पास में तो धूप धूप नैवेद्य कुछ नहीं होता था, वो लोग अपना मानसिक रूप में धूप दीप चैत्र अगुर चंदन को ठाकुर जी को उसको द्वारा पूजा करते थे मानसिक रूप में। लेकिन जिनके लिए उपलब्ध है, जैसे हमारे पास में हम ठाकुर को सेवा करते हैं धूप दीप चैत अगुर चंदन को द्वारा, क्यों हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन गोस्वामी के पास में तो पहले था नहीं, फिर वो क्या करते थे अपना मानसिक रूप में सेवा करते थे। इसलिए लेकिन अभी हम मानसिक रूप में नहीं कर सकते, कारण है हम कलयुग का बहुत ज़्यादा ही हमारी बीमारी है, होने का नाते डायरेक्ट रूप में हम ठाकुर को जो सेवा पूजा करते हैं, अब देखना जिसमें जो सेवा पूजा करते मनुष्य में निविष्ट हो जाता है, लेकिन अगर मानसिक रूप में करने जाए हमारा मन तो चंचल इधर उधर भटक भटक करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने ये साधारण जीव को धीरे 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 से भजन में ला सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने ये मठ मंदिर स्थापन किया और ठाकुर को रोसई ठाकुर को सेवा पूजा को इसलिए किया, इसको करते 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 धीरे 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 उसके हृदय में छाप पड़ी। जब हृदय में चीज छाप पड़ जाएगी फिर तो जा करके जीव क्या करेगा, फिर भगवत चिंतन को करना शुरू कर देगा, है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं इस मानसिक सेवा तो जो चीज कभी मानसिक सेवा तो कठिन है, लेकिन जो हमारे जो गोस्वामी लोग थे, गोस्वामी लोग जो थे वो लोग सब मानसिक सेवा करते थे, बैठ करके
हैं, मानस की सेवा करते थे बैठे बैठे करके, क्योंकि वो सब संस्कार युक्त तो वो तो मंजरी गोपियाँ वो थे, हम तो बद्ध जीव है ना, हैं हम तो बद्ध जीव है। इसलिए प्रभुपाद ने धीरे 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 जीवों को कैसे कैसे कंट्रोल करके लाए, इसके लिए प्रभुपाद ने इस सब चीज़ को बनाए, क्योंकि हम लोग एकदम अनधिकार जीव है, हमारे किसी चीज़ में अधिकार नहीं। जैसे हम रसोई बनाते किसके लिए बनाते, बोले ठाकुर के लिए रसोई बनाते, बोले मन कहाँ पर लगा हुआ, रसोई में लगा हुआ। ठाकुर को अर्चना कर रहे हैं, किसका अर्चना कर रहे, बोले ठाकुर का अर्चना कर रहे हैं, भगवान के धूप, मन कहाँ लगा हुआ, ठाकुर में लगा हुआ। झाड़ू लगा रहे हैं, कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, भगवत मंदिर में हम झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे करते 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 हमारे संस्कार बन रहा है, जब संस्कार दृढ़ हो जाएगा फिर मानसिक रूप से करने लग जाएंगे। इसलिए भक्ति दो तरह का पता ना, एक वैद्य भक्ति और एक राज भक्ति। इसलिए वैद्य भक्ति को जब सही सही रूप में करेंगे फिर यही बदल करके राग भक्ति में परिणत हो जाएगी। अगर हमने वैद्य भक्ति नहीं किया फिर तो राग भक्ति मिलेगा काम। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हाँ, इसलिए उपचार के द्वारा कारण व्यक्तिगण पक्षे सही सही वस्त्र अभाव वस्त्र पूर्व प्रणाली ते सेवा कर ले प्रभुता के सदगुरु चरण मुक्ति है श्रेष्ठ भक्त प्रेम भक्त प्रदान करें। इसलिए धीरे 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 है ऐसे ही ठाकुर जी को सेवा पूजा करना, धीरे धीरे ये मन क्या होगा, धीरे धीरे मन कंट्रोल होते होते ठाकुर जी के चरण में एक दिन लग करके तुम्हें प्रेम भक्ति को प्राप्त होगा। जब उन्होंने ये सब उपदेश नारद जी प्रदान की, इतने में श्री ध्रुव जी नारद जी को परिक्रमा लगाई और श्री नारद जी के चरण में उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने प्रणाम करते हुए उन्होंने मधुवन में गए, बोले इतुक्ततम परिक्रमम प्रणाम च नृपार्भत जजौ मधुवनम पुण्यम हरे चरण चर्चितम है। जब उनके उपदेश को सुन करके उन्होंने मधुवन में गमन किया और ठाकुर जी का भजन शुरू किया। इतने में नारद जी इस सारे उपदेश दे करके फिर गए राजा के पास में है, जो उत्थान पात राजा के पास में, जब उत्थान पात राजा के पास में वहां पर गए, देखा राजा बड़े दुखी है, दुखी होकर के बड़े अम्लान बदन में चिंता कर रहे हैं, मैं कैसे स्त्री के प्रेम में फंसूं, तो कैसे हो गया, केवल बच्चा का 5 साल का बच्चा है, उसको कहां को मेरी गोद में बैठना चाह रहा था लेकिन मैं तो गोद में बैठा है नहीं, और मैं कैसे कैसे स्त्री की स्त्री जीत होकर के हैं, स्त्री जीत होकर के, और उसका उसने मेरी सामने इतने बुरी तरह से गाली दिया लेकिन मैंने उसका अब प्रतिकार नहीं किया, दुखी होकर के कैसे मेरे बच्चा चले गया, अभी क्या जिंदा है ना, जानवर उसको खा गए जंगल में हैं, जानवर तो खा नहीं गए उसको, इसलिए बड़े दुखी होकर के बैठे बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे इतने में श्री नारद जी वहां पर नारद जी आए, नारद जब आए इतने में नारद जी बोले आप आपका ध्रुव के लिए आप कोई चिंता मत करो, उसको रक्षा करने वाले ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं, उसने अभी भगवान के भजन कर रहा है और उसको ऐसे जस प्राप्त होगा है, ऐसे जस उसको प्राप्त होगा आपकी वंश में जो जस किसी को अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुआ है हैं, इसलिए उसको आप इसके लिए चिंता मत करो, अभी भगवान का भजन कर रहे हैं आप उसके लिए कोई चिंता मत करो। और ध्रुव जी ने क्या किया, जब उन्होंने राजा को सांत्वना दी भजन कर रहा है ठाकुर जी को प्राप्त करेगा, इतने में ध्रुव जी भजन साधन कैसे किए, अभी उन्होंने रोज यमुना में त्रिसंध्या स्नान करते हैं, स्नान करते होकर के 3 दिन को बाद में एक बार कपित, कपित मतलब कैंक एक फल होता है, और बद्री बेर भोजन करते थे और ठाकुर जी की अर्चना करते, 3 दिन को बाद में एक बार खा लेते थे एक पहला महीना में, लेकिन जब दूसरा महीना आई दूसरे महीना में उन्हें 6 दिन को बाद में वृक्ष से अपने आप जो पत्ता गिर जाता था उसको खा करके भजन करते थे 6 दिन को बाद में, और जब जब भजन में बैठते थे मन एकदम प्रभु के चरण में डूब जाती थी। फिर जब तृतीय महीना आई फिर 9 दिन को बाद में केवल थोड़ी सी उन्होंने पानी को पान कर लेते थे हैं, और एकाग्र चित्त में भगवान के भजन में बैठ जाते थे।
फिर चतुर्थ महीना या तो इनकी भजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। चतुर्थ महीना में 12 दिन में हैं केवल उन्होंने एक बार केवल वायु को भक्षण करते हुए अपना श्वास को उन्होंने जय किया हैं। द्वादश दिन में वायु को भक्षण करते हुए अपना श्वास को उन्होंने जीत लिया। लेकिन जब पंचम महीना आई उन्होंने अपना प्राण को उन्होंने जीत लिया। हाँ, जीत प्राण, अपना प्राण जीत प्राण कर लिए और उन्हें एक पद में दंडायमान होकर के, एक प्यार में दंडायमान होकर के उन्होंने ऐसे भजन करना शुरू किया, ऐसे भक्ति। और जब 6 महीना आए पूरा अपना मन को विषय से पूरा के पूरा धीरे धीरे करते करते मन विषय से संपूर्ण हट गया। हट करके ऐसे प्रभु की खड़े हो करके और उन्होंने भगवत शिवाय और को जगत में और कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल भगवान ही उसको दिख रहे थे। और जब भगवत देख रहे थे भजन का कितना प्रताप यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसका जो तेज है ये जगत में कोई भी उसका तेज को सहन करने के लिए सबके से असमर्थ हो गए। इतने में ध्रुव जब एक अंगूठी के ऊपर में खड़े होकर भजन करते थे, लेकिन जब एक अंगूठी को जब बदला करके दूसरे जब अंगूठी पैर में खड़े होते थे तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे एक हाथी किसी नाव को ऊपर में एक पैर रख करके जब बदला करके जब दूसरे पैर रखे क्या होता है, नाव डगमगाने लग जाती है। इसकी भजन के प्रताप से ये पृथ्वी भी डगमगाने लगती है, इतने उसकी भजन भी इतने प्रताप है। जब डगमगाने लग गई इतने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्राण को संपूर्ण निरोध करके प्रभु के चरण में अपना श्वास को जीत करके प्रभु के चरण में अपना ध्यान लगाए। जब ध्यान लगाए इतने में लोकपाल सहित निखिल लोक श्वास रुक गए। उस समय में लोकपाल के साथ में सारे लोगों का जो श्वास है पूरा पूरा बंद हो गया। बंद होकर के सबके सब पीड़ित होकर के भगवान के शरण में गए, त्राही मां मधुसूदन भगवान हमें रक्षा करो सारी दुनिया की, हवा बंद हो गया है। जब भगवान को बोले, ठाकुर जी बोले कोई चिंता मत करो मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। इतने भगवान ने सबको सांत्वना दे करके उनने क्या किया, बोले भृत्या दिदुक्षया। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कहीं हम लोग कहीं मेला देखने के लिए वा किसी स्थान में जाने का सद धज करके जाते हैं ना, कहीं ठाकुर जी वैकुंठ में सुंदर श्रृंगार करके सद धज करके अपना विमान के ऊपर जब आ रहे थे, वैकुंठ भक्त लोगों ने पूछा प्रभु आप कहाँ जा रहे हो सद धज करके, भगवान कहते ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, देने के लिए नहीं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले क्यों, कहते ये प्रेम का 2 लक्षण है। क्या 2 लक्षण है, सांद्रनादा विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्षण चसा। जैसे दूध को गर्म करते करते राबड़ी बन जाती है ना, हैं ऐसे ही आनंद की जो प्रतिपदम पूर्णा मृत आस्वादनम, प्रतिपद में नई नई आनंद आस्वादन करते। दूसरा लक्षण क्या, भगवान को जैसे कोई फूल खिलने पर फूल भंवरा के पास में नहीं भंवरा फूल के पास में आता है, ठीक उसी तरह इनका जो भक्ति उनको बलात् भगवान को आकर्षण करता है। इसलिए ये जिस समय उनकी ध्यान की परिपक्वता अवस्था उनका सुदृढ़ बुद्धि आई, इतने में क्या हुआ, कहते जैसे विद्युत जैसे आकाश में जैसे बिजली चमकती है, ठाकुर जी उसके हृदय में एक बार दर्शन देकर, ठाकुर जी क्या किया हृदय से दर्शन देकर, ठाकुर जी उसका दर्शन देकर प्रभु जी बाहर खड़े हुए। जब बाहर खड़े हुए ऐसे उनको जब अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी, उनने तो एक दर्शन किया ठाकुर को, दर्शन करते हुए उसको इतने आनंद की प्राप्ति हुई, इतने आनंद की विश्वनाथ चकुर ठाकुर सब कुछ वर्णन करते हैं। कहते विश्व ब्रह्मांड में कहते जितने आनंद है सबका हृदय में, भगवान के आनंद कैसे दर्शन का जैसे का अथा समुद्र है, अथा समुद्र जैसे भगवान के दर्शन में आनंद है। इसलिए उन्होंने एक झलक दर्शन देकर जब उन्होंने निकल गए, इतने में ध्रुव छटपट करने लग गए जैसे कोई लब्ध धान जैसे हमारी नष्ट हो गया। तो इतने में हठात उन्होंने व्याकुल होकर अपना नेत्र खोल दिया। जब नेत्र खोला ना उन्होंने सामने श्री ठाकुर जी को दर्शन किए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की।
बोले श्री ध्रुव महाराज की। जब उन्होंने ठाकुर का दर्शन किया, अभी ठाकुर का दर्शन करते ही उन्होंने क्या किया, भगवत दर्शन में अभी ठाकुर को जब हटा दर्शन किया, अभी ठाकुर जी के चरण में उन्होंने भूमिष्ठ होकर उन्होंने प्रणाम किया और उनको माधुर्य को पान करते करते जब प्रणाम किया मानो फिर उनको ठाकुर जी को हृदय से उन्होंने आलिंगन किया बाहुजुगलों के द्वारा और उनके चरण को स्पर्श किया और आनंद में ध्रुव महाराज को आनंद की सीमा नहीं रही और उनने भगवान का रूप जैसे पान कर अपना चक्षु को थोड़ा दर्शन करते हुए ठाकुर का माधुर्य को पान कर रही थी। अभी ध्रुव महाराज जी अभी वो सोच रहे हैं हम भगवान को स्तुति करेंगे, लेकिन तो स्कूल गए नहीं, अभी तो स्कूल गए नहीं, संस्कृत जानते नहीं, फिर ठाकुर जी को स्तुति कैसे करेंगे। अभी भगवान को ऐसे लगा वो कुछ तो मेरे कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, क्यों वाणी होनी चाहिए ना ठाकुर को स्तुति करने के लिए। इतने में भगवान ने क्या किया, बोले ब्रह्ममयेन कंभुना देवता मक शंख। इसलिए भगवान ने जो शंख ये ज्ञान स्वरूप है उन्होंने ये शंख को उन्होंने कपल में स्पर्श कराया, जब कपल में स्पर्श कराया उनके हृदय में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई फिर तो ध्रुव महाराज जी धड़ाधड़ भगवान की स्तुति करने लग गए। बोले ज्वंत प्रविश माम वाच मीमाम प्रसुप्ता संजीवयत अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्रणान नम भगवते पुरुषाय तुभ्यम। उन्होंने बड़े सुंदर श्लोक को द्वारा स्तुति किए, उन्होंने क्या स्तुति किया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर में हर स्तुति के ऊपर कुछ ना टीका बोले, बहुत अच्छे अच्छे टीका बोले स्तुति के ऊपर में क्या बोले हम इसको सुनेंगे। हाँ स्तुति तो उनकी बहुत सारी है लेकिन हम कुछ श्लोकों को उनका जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो इम्पोर्टेंट श्लोक को सुनेंगे। ध्रुव महाराज भगवान को क्या स्तुति कर रहे हैं, ठीक है प्लस ध्रुव महाराज की भक्तवत्सल भगवान की निताई गौर प्रमाणित। तुम लोग कल का कथा कोई पढ़ करके आए हो, पढ़ करके आए कि नहीं, कौन पढ़ करके आए, तुम आए पढ़ करके आ जाओ, तुम बोलो, तुम कल बोलो, हाँ आप आज बोलो, सब एक एक दिन बोलेंगे, जब शाम को कृष्ण कथा है वही ठीक है दामोदर, इसलिए ठीक है आप आधा बोल दो और अनिरुद्ध आधा बोले, दोनों आधा आधा बोल दो और शाम को तुम आधा बोलना, अरे हमारी ये कौन जनार्दन शाम को आप जो दाम बंधन लीला तो सुनी सुनी लीला है, उसमें तो पहले हम हर साल उसको बंद कर दो। हाँ कल तो लंका पकवा दी।